राम नहीं हूँ, मैं राम का अनुयायी नहीं हूँ, मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं राम को नहीं मानता हूँ। यदि वो गलत किया है, किसी के छवि को धूम्य करने का प्रयास किया है, किसी के छवि को नीचे दिखाने का प्रयास किया है, हमारे आरक्षण जब भाजपा की सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। ये जब से सत्ता में है और अब तक किन्हीं को दिए क्या? नहीं ना, और नहीं दिए, और जो भी दिए वो तो एनडीए की सरकार में मिली है, और फिर से आके फिर जनता को गुमराह करने लगी है कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिए जाएंगे। बस केवल झूठ के सहारे राजनीति करने वाले लोगों के लिए अब बिहार में कोई स्थान नहीं है, देश में कोई स्थान नहीं। या कोई व्यक्ति हो या मुकेश बाबू हो, जो गलत करेंगे उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना, चाहे वो निषाद समाज हो या कोई हो। यदि वो गलत किया है, किसी के छवि को धूम्य करने का प्रयास किया है, किसी के छवि को नीचे दिखाने का प्रयास किया है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के हमारे डिप्टी सीएम है, आप उन पर इस तरह का बयानबाजी करना निश्चित रूप से हम लोग को बड़ा इस बात का एक प्रकार का हमारे पूरे समाज को कुछ दिन पहले उस तरह से प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या, फिर अभी इस तरह का बयान जो मन में आता है, जो इनके मतलब साथी कह रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अब जैसा संगति में गए हैं तो पर्व त्योहार के अवसर भी पर भी मछली खाकर भाई दूसरे को दिखाने का क्या आपको आवश्यकता पड़ा था? ये तो संस्कार का देन है कि राम नहीं हूँ, मैं राम का अनुयायी नहीं हूँ, मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं राम को नहीं मानता हूँ, जो मन होगा जिस समय जो मन होगा मैं करूंगा, ये सब दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये संघर्ष का असर हो गया है, मुझे लगता है पूरे समाज को, इससे पूरे समाज आहत हो रहा है इनके इन सब क्रियाकलापों से।